आज भी मैं ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया के पीक पे एक हट बना हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना एक कमरा बुक किया हुआ है। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मेरे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इनके बीच में उन्होंने एक स्टेयर्स बनाई हुई है, तो एक बहुत यूनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैंने तकरीबन एक साल पहले देखी थी सोच के लिए, तो मैंने फाइनली सोचा कि जाकर इस जगह को थोड़ा खुद एक्सप्लोर करते हैं और ये भी देखते हैं कि वो ट्रैक खुद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं यहाँ पे आऊँ। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पिछले साल जब मैं अपना ट्रैवल प्लान कर रहा था, आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग हाइकिंग ट्रैक विच लुक सो स्केरी बट आल्सो अमेजिंग। तो इस साल मैंने डिसाइड किया आई विल गो देयर। तो मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, थोड़ी पैकिंग की, कुछ दोस्तों को तैयार किया। तुमने इनविटेशन दी है, आ जाओ ना। And we left midnight. आवारा गर्द आदमी ऐसे होते हैं। ये देखो, ध्यान से देख, इस शख्स को ध्यान से देख लें। ये इंसान जो है आवारा गर्द इंसान है, मुझे भी खराब किया है। एक घंटा चलानी है मैंने, क्योंकि मुझे रात को गाड़ी चलाने में इश्यू है। तो जाते जाते जर्मनी से एक दोस्त को भी पिक कर लिया। When you are traveling with the right people, you always have fun. Not only on your destination, but also during your journey. तो कुछ अच्छे दोस्त साथ लेके जाना is very important. यार ये जम लोग बहुत गंदे हैं यार। आप भी। मेरे ख्याल से रात को ट्रैवल करना इज द बेस्ट, अगर आपके पास एक और ड्राइवर भी हो, मतलब लेस ट्रैफिक ऑन द रोड सो इट्स लेस अनोइंग, और आप काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव कर लेते हैं एंड यू कंज्यूम योर होल डे फॉर चिलिंग एंड डूइंग द एक्टिविटीज। अभी ना हम ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रिया की ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे एक डेड एंड है, इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब गूगल फॉलो कर रहे थे, गूगल हमें इस जगह पर ले आया। हम कल रात 11 बजे से निकले हुए हैं, बस हमारा एक्चुअल प्लान ये था कि सुबह 4-5 बजे निकलेंगे। आज सारा दिन हमारा ट्रैवल में गुजरना था, कल हमने अपनी प्रॉपर हाइक शुरू करनी थी। अभी सुबह के 10 बजे हैं, हम उस जगह करीब पहुँच गए हैं जहाँ से हमने हाइक शुरू करनी है। ये सही रास्ता नहीं है, हमें एक्चुअल रास्ता ढूंढना पड़ना है, और जो हाइक है दैट्स वेरी स्केरी। मैं लिटरली एक साल लगा खुद को कन्विंस करने के लिए कि मुझे ये हाइक करनी है, क्योंकि मैं अभी भी फुली कन्विंस नहीं हूँ कि आज हम वो हाइक कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि मैं सिचुएशन का सही तरह से नहीं पता ना। हमारे पास कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन वो मैंने देखा कि वो आप वहाँ से रेंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें गाइड की ज़रूरत है। फिजिकल आपकी जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो जाके पता चलेगा। तो आज का मकसद भी यही था कि जाते हैं, अगर तो हाइक कर सके तो ठीक है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन तो लेंगे। सो फॉर द नेक्स्ट टाइम वादी से निकले और एक और वादी में, वहाँ जाके पता चला कि जहाँ से चेयरलिफ्ट भी है जो आपको पहाड़ के ऊपर ले जाती है, ये सामने टॉप है और यहाँ से चेयरलिफ्ट जाती है उस टॉप पे। तो चेयरलिफ्ट के बाद आगे हाइकिंग शुरू होती है। तो मुझे अब ये लग रहा है कि चेयरलिफ्ट चल नहीं रही, पार्किंग भी खाली है, कोई गाड़ी नहीं खड़ी। हाँ जी, ये भी बंद है। ओए आ जाओ जानी, जानी मैं तो मजाक कर रहा था,
बंद है। अब ना हाइक वाला ऑप्शन फिलहाल है हमारे पास। और 5 किलोमीटर से डरते हो? हाँ जी। मैं भी डरता हूँ लेकिन चलते हैं। हाँ 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 यार, इतनी दूर आए हैं, होटल भी बुक है ऊपर। ऐसे करते हैं, होटल वालों को फोन करके पूछ लेते हैं क्या तरीका कार ऊपर आने का। गाड़ी शायद उस साइड से चली जाए जहाँ से, जैसे भी वैसे एक और रस्ते से भी जा सकती थी। अच्छा हाँ, मैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा रास्ता था। चल मैं उनको कॉल करता हूँ। इतने गौर से देखने के बाद भी आपने गलत बता दिया। गौर से मैंने ऐसे गौर से देखा, मैंने कहा कि रांची से जो है ना वो बेहतर लग रहा है मेरे को। इतना गौर से देखा, गलती फिर कर दी आपने। ओहो कैसे कर लेते हो तुम की। तो फिर वहां से निकले अगली चेयर लिफ्ट के लिए। यहाँ पे तो आवाम की पहाड़ी की पीक है। मैं पाले बूट हुण पावे ऑस्ट्रिया ला जा। आओ ये मसला था। पावे मैं बूट हुण, चलो हुण ऑस्ट्रिया चलो। ये वो पीक है जहाँ पर हमने जाना है, पर यहाँ से आप चेयरलिफ्ट ले सकते हैं। चेयरलिफ्ट से हम टॉप पे जाएंगे। रुकने ने एक खट बनाया हुआ जिस पर हमने अपनी बुकिंग भी कराई है, तो रात को भी वहीं रुकने का प्लान है। बाकी हिसाब तो ऊपर जाके करेंगे। हाइक करनी है, हाइक बस हो गया। हाइक We want 4 tickets, but we want to come back tomorrow. It's fine, right? So how much is for one ticket? Another one. Yes. Excuse me. Can I have 100 euro cash? I can pay with the card. 100, please. Yes. But क्योंकि हम रात पहाड़ों में रुक रहे हैं और वहाँ पे एक कैफे भी है, so it's very important that you have some cash with you. Thank you very much. बाकी सब ठीक है, पर ये क्या बात है यार, ये ना पता नहीं कहाँ से आ गया वो टैची वाले, वो टैची हैकिंग यार। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं था ऊपर जाना, टैची हैकर। वो प्राइवेट है, मुझे लगता है ये वाला है। ट्रेन ट्रेल तो होगा डेफिनेटली। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। नहीं मैंने वो तो देख लिया। ऊपर भी जा रहे हैं यानी कि आखिरी पे काम, आखिरी पैगाम आप घर वालों के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। यार अपना आईफोन मुझे दे देना यार, तेरी मेहरबानी। ये क्या लिखा हुआ? ओके यू आर या दिस वन what I think Hendrick, is Hendrick, not yeah. Your name is not you know this problem is in your name you know upar to no restaurant banaya hua hai yahan se niche jaye to niche kamre hain aur do number lagayi hui hai ek corridor hai iski side pe kamre bane hue hain banaye hue ye corridor hai ye shoes pehne wagar nahi ja sakte शूज उतार के इधर टांग नहीं होते हैं। टांगो जी धनी उतारी जानी उतारी यार जानी इंसान ही
बंकर बेड डेफिनेटली एक्सपेक्टेड भी यही थे जिससे मैंने बनाया होगा। ये सामने व्यू है, ये वो माउंटेन है एक्चुअली जिस पे हाइक करने का प्लान था, ये शायद होगा भी, अभी जाके देखते हैं एक्चुअली है कि यहाँ पे एटलीस्ट वो स्टेयर से देख के आनी है ना, वो इन्हीं पहाड़ों में कहीं पर होगी, तो थोड़ी देर में देखते हैं। इस कमरे की दूसरी साइड पे यहाँ से निचली साइड से हम आई हैं, इधर से कहीं से, इधर बड़ी खूबसूरत वादी है, बाहर जाके देखते हैं। लेकिन जो लोकेशन है दैट्स अमेजिंग, मतलब सारे पास तो लोकेशन क्या है कि जिस जगह पे ये हट बना हुआ है, जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बाकी बंकर बेड लगे हुए हैं, इनकी खैर है और भी 6 से 8 बंकर बेड हैं एक कमरे में, तो हमने थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो उसमें 6 बेड थे लेकिन हमें प्राइवेट रूम मिल गया। Has been started. थोड़ा सा ही रह गया, 2 घंटे लगेंगे अब। ये तो फाइनल है, स्टेयर्स तक नहीं पहुँच सकते, उसके लिए आपको लिटरली ये सामने माउंटेन है ना, ये ऊपर चढ़ना पड़ता है जंजीरें बांध के, और जो प्रोफेशनल हाइकर्स हैं उन्हीं का काम है। हमारा सारा मकसद ये है कि उनको उसको स्टेयर्स को हम देख लें, थोड़ा अंदाजा हो जाए, सोच रहे कोई प्लान बना ताकि समय अंदाजा होगा कि हमने करना क्या है। ये चेक पॉइंट 0 है, यहाँ से शुरू होती है आज भाई। आई लव चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट छोड़े, व्यू चेक करें अपने पीछे, पहाड़ी के ऊपर चेक करें, इनका खूबसूरत इलाका है। नहीं आ रही यार, कहाँ पे आना भाई, लेक पे, कल वापसी पे, कल का भी हमारा कोई प्लान नहीं है, इटली वाला कैंसिल, दूसरा प्लान सोचना है। बहुत ऊंची है, और वो जो ऊपर हमें ऊपर नजर आ रहा था ना क्रॉस का निशान, ये पॉइंट है, यहाँ से अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, और नहीं भाई नीचे यहाँ खड़े हैं हम, सामने पहाड़ शुरू हो रहा है, और ये वो है जो पहाड़ में लग रहा था बहुत मुश्किल है, और वो सीढ़ियां वहां पे है। चलो जी वापस आइयो, बस नहीं देखनी है, नेट पे देख लेंगे। वाह, अच्छा जी ये फर्स्ट पॉइंट है। ना कर, यहाँ से ऊपर जाते हैं, हमारे लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है, प्रोफेशनल हाइकर का काम है। हम स्टेयर्स देखने आए थे लेकिन आप वो देख भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ऊपर है, हाइकर छोड़ के जो प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर है ना उन्हीं का काम है, वही कर सकते हैं। इंटरनेट पे जो हमने वीडियो देखी थी, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी,
इसमें सिर्फ हमें वो पार्ट दिखाया गया था जिसमें आप स्टेयर्स से एक पार्ट से दूसरी साइड पे चले जाते हैं, तो सिर्फ एक्चुअली इंट्रो था उन स्टेयर्स का। इससे पहले और बाद वाला मसला ना उस वीडियो में उसने मेंशन नहीं किया था, तो इसलिए अगर तो आपके लिस्ट में कुछ ऐसा है, पहले तो आपको रॉक क्लाइंबिंग सीखनी पड़ेगी, फिर आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। हम तो वापस जा रहे हैं, कोई और रूट देखते हैं जहाँ पर हम हाइकिंग कर सकें, एंड हाइकिंग इज इनफ। बाकी जहाँ पर माहौल है दैट्स अमेजिंग, तो वही इंजॉय करेंगे आज हम। ध्यान से, ये आइडिया बिल्कुल मेरा नहीं था, ये खुद गया और मेरे से कोई तकरीबन 500 मीटर दूर तो आए, उसको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। ये देखे इतना दूर है उस शख्स में से, तो मना करता रहा हूँ ना जा ना जा ना जा।